सुप्रसिद्ध बच्चों, मेरा नाम है करणिका मैडम और मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सब अभी पहली कक्षा में गए हो, इससे पहले आप नर्सरी सीनियर क्लास में थे। ठीक है, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपने बहुत मज़े किए होंगे, यहाँ वहाँ घूमने गए होंगे, अपने आम खाए होंगे और आइसक्रीम खाया होगा, बहुत सारी मौज मस्ती आपने की होगी। अब आप पढ़ाई करेंगे, हाँ मेरे साथ आप सब अभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ आज, मालूम है आपको? हाँ, तो मैं आज आपको कुछ अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये बुक होगी जिसका नाम है हिंदी अक्षर कला भाग अ। हमारी किताब का नाम क्या है? हिंदी अक्षर माला भाग अ। तो इस किताब में से आपको पेज नंबर 4 निकालना है। कौन सा पेज निकालना है? 4। वेरी गुड, निकाला आपने पेज नंबर 4। वेरी गुड, तो इस पेज पे आपको दिखाई देगा सुलेख करो, ट्रेस एंड राइट। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ट्रेसिंग दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से करना है और करते समय आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है पेंसिल का। वेरी गुड, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे कुछ स्टैंडिंग लाइन है, तो ये स्टैंडिंग लाइन के लिए यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं, तो ये डॉट हमें अच्छे से पेंसिल से अच्छे से ट्रेस करने हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। तो ये स्टैंडिंग लाइन आपको अच्छे से ट्रेस करनी है। इसके बाद बारी आती है स्लीपिंग लाइन की, तो इसके बाद हम स्लीपिंग लाइन को जोड़ेंगे, स्लीपिंग लाइन को ट्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी स्नैकिंग लाइन की, तो अच्छे से हम स्नैकिंग लाइन को भी जोड़ेंगे। ये स्टैंडिंग लाइन तो कंप्लीट हो गई, हाँ, तो इसके बाद नीचे वाले स्टैंडिंग लाइन अच्छे से करेंगे। अभी क्या हुआ, हमने स्टैंडिंग लाइन की, ठीक है, स्लीपिंग लाइन किया, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन किए और अभी स्टैंडिंग लाइन किए। तो ये जो हमारी बुक है इसमें पेज नंबर फोर एंड पेज नंबर फाइव पर हमने ये ट्रेस और राइट किया है। इसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम यदि प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हमें हिंदी सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें हिंदी सीखते समय हमें वर्णमाला सीखनी है, वर्ण सीखना है, शब्द बनाने हैं, हमें वाक्य बनाने हैं, वाक्य यानी कि सेंटेंसेस, हाँ, तो ये सब करने के लिए हमें ये जो सेंटेंस लाइन, स्लीपिंग लाइन, सेंटेंस लाइन है, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है।